अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये जी हमारे कपड़े हैं, रिंग्स हो रहे हैं। इसके अंदर जो है हमने सॉफ्टनर डाल दिया हुआ है। ब्लैक कलर के कपड़ों पे सॉफ्टनर किस तरह से डालने हैं वो तरीका कार हम आज आपको बता रहे हैं। और भी रिंग्स होते हैं तो मैं आपको फाइनल रिजल्ट भी चेक करवा दूंगी। कोई भी धब्बा जो है वो किसी भी किस्म का जो है ब्लैक कपड़ों पर खासतौर पर नजर नहीं आएगा और इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है आपका जो सॉफ्टनर होता है। जी फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो है बहुत ही खास। मेरी बहुत सी बहनों ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि उनकी जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, जब वो इसमें डालते हैं सॉफ्टनर, तो उसके जो निशान है वो ब्लैक कपड़ों पर खास तौर पर वाजे नजर आते हैं और कपड़ों पर निशान लग जाते हैं। तो इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन से तरीके से आप इसके अंदर जो है सॉफ्टनर डाल सकते हैं ताकि निशान ना लगे। तो अभी ये जो कपड़े हैं ये ब्लैक कलर के, ये धुल चुके हैं और इस ये जो है अभी रिंस होने के लिए इसमें पानी जो है वो जमा हो गया है। इस पॉइंट पर जब इसमें दोबारा से पानी जमा हो गया है रिंस करने के लिए, इस पॉइंट पर हमने क्या करना है, मशीन को ऑफ कर देना है। बाकी प्रोसीजर मैं इसलिए नहीं बता रही क्योंकि आप लोगों को पता है सारा कुछ। दूसरे नंबर पे हमने क्या करना है कि एक किसी भी जो है टब में या मग में पानी ले लेना है और कोई सा भी सॉफ्टनर आप यूज कर सकते हैं। ये मेरे पास पाउच में सॉफ्टनर है, यहाँ पर इजीली अवेलेबल है, तो ये मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ आप लोगों के सामने। ब्लैक कलर के कपड़ों पे आज मैं ये सॉफ्टनर डाल रही हूँ तो आपको दिखाऊंगी कि कोई भी दाग धब्बे नहीं लगेंगे। तो ये मैंने अंदाजन जितना मुझे डालना था मैंने डाल लिया। ये देखिए इसके अंदर, ये देख सकते हैं क्योंकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये थिक होती है, इसीलिए कपड़ों पर इसके निशान बन जाते हैं। तो इसको आपने मिक्स कर लेना है, मैं अभी हाथ से ही मिक्स कर रही हूँ। आप किसी भी चीज़ से जैसे भी लगे, आप घर में काम करते हैं आसानी जैसे होती है वैसे कर लिया करें, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये देखिए अब मैंने इसको मिक्स कर लिया है। मशीन मैंने पीछे से बंद कर दी हुई है क्योंकि ये ऑटो रीस्टार्ट है, तो यहीं से ये स्टार्ट हो जाएगी। इस मुकाम पे अब मैंने इसका ढक्कन उठाना है और ये देखें, फिर मैं एक दफ़ा दोबारा से बता देती हूँ। ये कपड़े हैं ब्लैक कपड़े हैं ज़्यादातर इसमें और ये धुल चुके हैं। उसके बाद ये दोबारा से इसने पानी भरा है इसको रिंस करने के लिए, और जब इसमें पानी भर चुका है अब मैं इसमें जो है ये इस तरह से डालूंगी। तो ये देखें अब जो है इंशाल्लाह इसके ऊपर निशान नहीं बनेंगे क्योंकि मिक्स हो गया। आप चाहें तो मशीन बंद है, कोई मसला नहीं, अब नहीं बनेंगे। जब आप डायरेक्ट इसमें सॉफ्टनर इस कैबिन के अंदर जब हम डालते हैं तो वो डायरेक्ट सॉफ्टनर जब यहाँ पर गिरता है ना तो उसके निशान बन जाते हैं, और ये मेरे साथ भी हो चुका है। उसके बाद से मैं इसी तरह से जो है वो सॉफ्टनर दे रही हूँ, यूज़ कर रही हूँ, आपने भी इसी तरह से करना है। तो अभी हम इसको चलाते हैं, मैंने पीछे से इसको ऑन कर दिया है और यहाँ से मैं दोबारा इसको स्टार्ट कर रही हूँ। ये देखें अब ये रिंस कर रही है, उसके बाद ये रिंस होगी और इन्हीं कपड़ों को मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी और होपफुली इसके ऊपर, बल्कि यकीनन इसके ऊपर कोई निशान नहीं होंगे। तो ये तरीका है, आप अपने कपड़ों को अगर सॉफ्टनर देना चाह रही हैं ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में तो उसको कभी भी आपने डायरेक्ट नहीं देना है। कैबिन तो बना होता है लेकिन उनको नहीं आइडिया होता कि क्या क्या बाद में मसले होते हैं, तो उस तरह से अगर आप देंगे तो खास तौर पर ब्लैक या जो डार्क कलर के कपड़े हैं उनके ऊपर सॉफ्टनर के निशान जो हैं वो वाजे तौर पर नजर आते हैं और बहुत बुरे लगते हैं और उतारने भी बाद औकात जो हैं वो मुश्किल हो जाते हैं। तो ये तरीका है सॉफ्टनर देने का। होपफुली आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अगर मजीद कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी ये धुलते हैं, धुलने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा। अभी पानी निकल रहा है और अभी ये मशीन स्पिनिंग पे जाएगी और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या कंडीशन होगी। जब आप डायरेक्ट डालते हैं तो कॉमन सेंस की बात है, वो जिन कपड़ों पे सॉफ्टनर गिर जाता है उन पर निशान रह जाते हैं और उतने अच्छे से वो मिक्स नहीं हो पाता। लेकिन जब ऑलरेडी कपड़ों के अंदर पानी जमा होता है और पानी से भरी होती है मशीन, तो उस वक्त जब आप पानी में मिक्स करके डालेंगे तो जिस तरह से नील देते हैं उसी तरह से नील के भी दाग नहीं पड़ते, इसी तरह से सॉफ्टनर के दाग भी नहीं पड़ेंगे। और ये तरीका जो है आपने ज़रूर आजमाना है और इससे आपको फ़ायदा हुआ तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। मज़ीद ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन से रिलेटेड तकरीबन हर टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, और अगर मज़ीद कुछ आप पूछना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, आपकी हेल्प के लिए मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। अभी ये जा रही है स्पिनिंग पे, उसके बाद इंशाल्लाह आपको फाइनल रिजल्ट दिखाते हैं।
मशीन को मैंने पीछे से ऑफ कर दिया है और अब मैं आपको स्पेशली ये जो ब्लैक पैंट है इसको दिखाऊंगी। देख सकते हैं आप, इसके ऊपर बिल्कुल भी जो धब्बे शब्बे हैं वो नहीं बने। ये देखने ये ब्लैक कपड़े हैं, इनको किसी किस्म के कोई धब्बे नहीं बने। बहुत अच्छे से जो है वो पूरे कपड़ों को इवनली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इसमें हर कलर के कपड़े थे, ब्लैक भी थे, वाइट भी थे, ब्लू भी थे, तो कहीं भी कोई भी धब्बे नहीं बने हैं। नेक्स्ट टाइम आपने इसी तरह से जो है वो सॉफ्टनर देना है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ जो हैं वह आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।